नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में जो भी बहालियां आती हैं उसमें धांधली और भारी गड़बड़ी पाई जाती है। ये लगातार अब ट्रेंड बन गया है, क्योंकि बिहार सरकार जितनी भी बहालियां लाती है उन सभी में कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिलती है। अभी शिक्षक के बहाली को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। पिछले जो शिक्षक की बहाली हुई थी उसका डॉक्यूमेंट अभी तक जाँच नहीं हो पाया है पूर्ण तरीके से, और फिर से एक नया मामला सामने आ गया है। बिहार में 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर जो सरकार ने रास्ता साफ किया था उसमें काउंसलिंग के लिए लगभग 3 दर्जन से नियोजन इकाई पर कार्रवाई की गई है, और जो काउंसलिंग की तारीख थी, जो मेधा सूची थी, सभी को रद्द कर दिया गया है। फिर से इसकी काउंसलिंग की जाएगी, फिर से इसकी अनुशंसा की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार शिक्षा विभाग को लेकर सरकार चर्चा में रहती है। अब इस स्तर पर शिक्षा विभाग में गड़बड़ी पाई जा रही है तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने बिहार के विभिन्न जिलों की नियोजन इकाई के अभ्यर्थियों की मेधा सूची को रद्द कर दिया है। इस लिस्ट में बांका, मधुबनी, कैमूर, दरभंगा जिलों की नियोजन इकाई शामिल है। इन सभी जिलों में जिलाधिकारी के सरकार से सिफारिश की थी। इसकी अनुशंसा पर नीतीश सरकार ने यहाँ बड़ा और सख्त कदम उठाया है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिला में दूसरे चरण की काउंसलिंग संबंधी पूरी रिपोर्ट जिले से तलब की है। पूरी रिपोर्ट पर आज उच्च स्तरीय समीक्षा होगी। इसके बाद दोषी नियोजन इकाइयों और पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करेगी, साथ ही काउंसलिंग और मेधा सूची भी रद्द की जाएगी। गौरतलब है कि पहले चरण में 500 नियोजन इकाई की काउंसलिंग और मेधा सूची रद्द कर दी गई थी। लगातार बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर समस्याएं सामने आती है, चाहे वो मिड डे मील हो या स्कूल की समस्या हो। अभी कुछ दिन पहले ही एक शिक्षक चावल का बोरा बेचते हुए नजर आए थे, जिनको निलंबित कर दिया गया था। लगातार बिहार में शिक्षा विभाग की ऐसी समस्याएं निकल कर सामने आती रहती हैं। और फिर से एक बार शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि नियोजन इकाइयों को रद्द कर दिया गया है। लगभग 2 से 3 दर्जन नियोजन इकाइयों को रद्द कर दिया गया है। दरभंगा, बांका सहित कई अन्य इलाके का ये मामला है। शिक्षा विभाग ने इस तरह की गड़बड़ी कई बार पाई है, लेकिन इससे भी सीख नहीं लेते हुए अब बिहार में जिस प्रकार की शिक्षक नियोजन का हो या शिक्षा बहाली की प्रक्रिया हो, सब में सवाल उठता है। अब नीतीश कुमार सरकार लगातार शिक्षकों के प्रति जिस प्रकार की रवैया अपनाई हुई है, पहले भी नीतीश कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बहालियां निकाली थी और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में रोजगार के लिए अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन सभी मामलों में अब कहीं ना कहीं ये बड़ा फेरबदल, बड़ा गैप नजर आ रहा है कि शिक्षा विभाग के तरफ से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, फिर भी नियोजन इकाई में बड़ी स्तर पर धांधली पाई जा रही है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।